आज हम करेंगे कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, मतलब अगर हमें फ्रैक्शन दी होगी उसको हमें डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन आसान होगी अगर नीचे डिनोमिनेटर्स पे टेंस या हंड्रेड या 1000 होगा, तो फिर डेसिमल हम बहुत आराम से और बहुत फटाफट लगा देंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 1/10 का, तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, अब यहाँ पे जितने ज़ीरो होंगे नीचे तो डेसिमल के बाद उतने नंबर यहाँ पे जाएंगे डेसिमल के राइट साइड पे। तो यहाँ पे ऊपर हमें 1 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे एक दिया हुआ था। अगर यही 2/10 होता तो ये डेसिमल के बाद एक डिजिट 1, अब यहाँ पे ज़ीरो एक ही है तो एक डिजिट जाना है, तो यहाँ पे ऊपर एक ही डिजिट दिया हुआ है तो वो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप ज़ीरो लिख सकते हो बिकॉज यहाँ 2 से पहले हम जितनी मर्जी ज़ीरोस लिख सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह से मान लो यही 2/100 हो, अब यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट जाएंगे, एक तो वंस की पोजीशन का 2 जाएगा और एक आप टेंस की पोजीशन पे 0 मान के चल लो तो एक ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए बिकॉज यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरोस हैं, 100 है तो एंड में आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो बिकॉज आप यहाँ पे प्रज्यूम कर सकते हो जितनी मर्जी ज़ीरोस, बिकॉज इस साइड पे जितनी भी ज़ीरोस हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर पे। तो हमने डेसिमल्स, अब जैसे 3/1000 है तो 3 ज़ीरोस, तो डेसिमल के आगे भाई 3 नंबर आएंगे, एक तो 3 आ जाएगा और फिर हम यहाँ पे मान के चल लेंगे 2 ज़ीरोस, तो ये 2 ज़ीरोस इसके ज़ीरोस आ जाएंगे बिकॉज यहाँ पे 3 से पहले आप जितने मर्जी ज़ीरो लगाते रहो और डेसिमल के बाद आप एक ज़ीरो लगा सकते हो। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रख लेना है कि जो भी फ्रैक्शन है उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कब करना है, जब नीचे हमारे को टेंस और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स दिए हों। ये हमने इसलिए करना है ताकि हमें अपना टाइम वेस्ट जो है कैलकुलेशन में ना करना पड़े, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसका आपको करके दिखा देता हूँ। अब जैसे 1/10 है, इसको हमने क्या लिखा था, एक ज़ीरो है तो डेसिमल के आगे एक नंबर आना है, तो ऊपर 1 ही दिया हुआ है तो ये 0.1 आंसर आना चाहिए। तो इसको हम अगर एक्चुअल में डिवाइड करके देखें, 1 यहाँ 10 से छोटा है तो हमें डेसिमल की ज़रूरत पड़ती थी तो एक ज़ीरो मिल जाता था, तो अब 10 1 10 होता है तो आंसर 0 यहाँ पे आ गया, तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है आंसर 0.1, तो हमने भी तो 0.1 लिखा हुआ आंसर। तो जितने भी नीचे टेंस और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होंगे बस आपको ये ध्यान रख लेना है कि डेसिमल के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए। अगर न्यूमरेटर पे मान लो ये 25/100 दिया हो तो हमारे को डेसिमल के आगे 2 नंबर चाहिए, तो ऊपर न्यूमरेटर में कितने नंबर हैं, 2 ही हैं, तो वो डेसिमल के आगे 0.25 लग जाएगा, ठीक है। अगर 25/10 है तो नीचे कितनी ज़ीरो, 1, तो डेसिमल के आगे 1 नंबर आना है, तो जो यूनिट्स की पोजीशन पे जो नंबर है वो आ जाएगा और टेंस वाला इस साइड पे रह जाएगा। अगर मान लीजिए 25/1000 है तो कितने ज़ीरो, 3, तो डेसिमल के आगे 3 नंबर आने हैं, एक तो यूनिट्स की पोजीशन पे 5 आ गया, टेंस की पोजीशन में 2 आ गया और ये हंड्रेड्स की पोजीशन पे हम 0 मान के चलेंगे, 0 आ गया तो आंसर क्या आ गया, 0.025। इस तरह से हमने जो है कन्वर्जन करनी है फ्रैक्शंस की इनटू डेसिमल्स।